हेलो स्टूडेंट, तो फिर से मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अपने सॉलिड स्टेट पे ही पूरा बेस्ड है वो, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिरकार क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं या कितने टाइप के डिफेक्ट वहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर से वही अपना रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। चलो हम डिफेक्ट के बारे में जानते हैं, डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। डिफेक्ट एक्चुअली आता कैसे है, डिफेक्ट एक्चुअली आता कैसे, जब हम किसी भी चीज़ का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जब क्रिस्टलाइजेशन का रेट हमेशा फास्ट होता है। क्रिस्टलाइन का रेट अगर स्लो है, देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का रेट अगर स्लो है तो वहाँ पर डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट वो कभी जनरेट नहीं होगा। क्रिस्टलाइजेशन अगर स्लो रेट में हो रहा है तो डिफेक्ट कभी जनरेट होगा ही नहीं, पार्टिकल है ना परफेक्टली अरेंज्ड हो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन क्रिस्टलाइन का रेट अगर फास्ट है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट अगर फास्ट है तो उस कंडीशन में आपका डिफेक्ट हमेशा जनरेट होगा। तो डिफेक्ट को अगर मिनिमाइज करना है ना, डिफेक्ट को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आपको हमेशा याद रखना है उसका रेट ऑफ जो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट होगा वो हमेशा स्लो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब डिफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, डिफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो अरेंजमेंट के हिसाब से डिफेक्ट हो सकते हैं या जो बीच में वॉइड्स होते हैं उसके हिसाब से भी आपके डिफेक्ट जनरेट होते हैं। बेसिकली हम अरेंजमेंट और वॉइड के हिसाब से देखते हैं। और एक चीज़ होता है, मैं आपको इसी के अंदर और सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। डिफेक्ट के बेसिकली दो टाइप होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट होता है और लाइन डिफेक्ट होता है। एक अपना पॉइंट डिफेक्ट है, दूसरा अपना लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है तो मैंने आप लिख दिया यहाँ पर, दिस अ फॉल्ट प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और जो भी है वो अपना पार्टिकल एटम्स, फॉल्ट प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। अभी अगर आप दिमाग लगाओ तो देखो, एक रो में चार एटम है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है, एक एक्स्ट्रा एटम बीच में प्लेस्ड हो गया, यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, बीच में ऐसे प्लेस होगा। अगर बीच में अगर वहाँ पे प्लेस हो गया तो फॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो जो कंपाउंड है, अगर समझ लो ना, मेरा कोई क्रिस्टलाइजेशन का मेरा कोई कंपाउंड है तो बीच में अगर मैंने एटम डाला तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन को धीरे धीरे वो चेंज कर जाएगा, उसके अरेंजमेंट को वो तोड़ेगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंट इफेक्ट, पॉइंट इफेक्ट कहते हैं। लाइन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इरेगुलरिटी इन द कंपाउंड, इरेगुलरिटी इन द कंपाउंड ऑफ लाइन, इरेगुलरिटी इन द कंपाउंड ऑफ लाइन। अगर यहां पर अगर आप ध्यान दो, यहां पे अगर आप ध्यान दो तो देखो, पहला जो लाइन है वो परफेक्टली, पहला लाइन के नीचे सेकंड जो मेरा पहला रो है उसके नीचे सेकंड वाला जो रो है परफेक्टली अरेंज्ड है, बट क्या तीसरा रो उसके और तीसरा जो रो आ रहा है वो परफेक्टली अरेंज्ड है क्या? वो अरेंज नहीं है। तीसरा वाला जो रो है वो थोड़ा और आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है वो, तो इसमें भी कैसे हो रहा है कि अरेंजमेंट क्रिस्टलाइजेशन का वहां पे खराब हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है? वो इरेगुलरिटी ऑफ कंपाउंड लाइन आ रहा है, मतलब इरेगुलरिटी, मतलब रेगुलरिटी उसकी टूट रही है, रेगुलरिटी उसकी टूटेगी तो भी वहां पर डिफेक्ट जनरेट होगा, तो भी वहां पर डिफेक्ट जनरेट होगा, उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा चीजें हम एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड कर रहे हैं वो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आएगा। रेगुलरिटी मतलब उसका अरेंजमेंट आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ये और ये टाइप्स होते हैं। लाइन डिफेक्ट एक ही होता है, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसको शॉकी डिफेक्ट भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं, और उसके अंदर एक होता है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये है ना आपके ये तीनों ये पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स हैं। अब वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, नाम से पता चला वैकेंसी, मतलब वहां पर वैकेंसी क्रिएट होना चाहिए, वैकेंसी डिफेक्ट का नाम से पता चला ना, वहां पर वैकेंसी हो रही है, मतलब वहां पर वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए। अब मैंने एक NaCl, मतलब जनरली ये है ना, बोलते हैं ना 1:1 का जो रेशियो होता है ना, 1:1 का जो रेशियो होता है उस कंपाउंड में डिफेक्ट ज्यादा जनरेट होता है। अब मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे CaCl2 होगा तो वहां पर डिफेक्ट जनरेट होगा, ये सब 1:1 का रेशियो है। NaCl है, NaBr है, KCl है, AgCl है, Ag1 है, Cl1 है, तो उस कंडीशन मतलब एक कटायन एक अनायन, वैसा ऐसा नहीं कि एक एक अनायन और दो कटायन, ऐसा नहीं, या एक कटायन और दो अनायन, ऐसा नहीं, दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में डिफेक्ट आपका जनरेट होता है। अगर यहाँ देखो, मैंने ग्रीन मार्कर से जो बनाया वो मेरा पॉजिटिव आयन है, जो मैंने रेड मार्कर से बनाया वो मेरा नेगेटिव आयन है, तो ये मेरा कटायन है और ये मेरा अनायन है। देखो मैंने कटायन अनायन का अरेंजमेंट प्रॉपरली किया हुआ है। आप अगर देखो तो देखो यहाँ पे गैप है, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी गैप है, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव पार्ट छूट गया, मतलब यहाँ पे अनायन नहीं मैंने डाला है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे मैंने कटायन को नहीं डाला है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे भी मैंने कटायन को नहीं डाला है। तो जब एब्सेंस हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट होगी ना, जब वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट होगी तो उस चीज़ को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, या तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया, ये इस डिफेक्ट के लिए कंपाउंड का रेशियो हमेशा 1:1 का होना चाहिए। और ये डिफेक्ट की वजह से क्या होता है पता है कि अगर ये मेरा NaCl है, अगर समझो मेरा ये NaCl है, और अगर NaCl की डेंसिटी अगर समझो फॉर एग्जांपल कुछ 40 पकड़ लो, 40 तक है, 40 अगर NaCl की डेंसिटी आपको दे रही है,
तो अगर जैसे डिफेक्ट अगर क्रिएट होगा ना तो उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? वहां पे धीरे धीरे वहां पे कटायन ही तो एनहांस का एब्सेंस होगा, एब्सेंस होगा तो वहां पे मास कम होगा, जब मास वहां पे कम होगा तो डेंसिटी हमेशा लोअर होगी। यहाँ पे कैसे ना बोलते ना मेल्टिंग पॉइंट भी धीरे धीरे उसका चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी वहां पे धीरे धीरे आपको चेंज मिलेगा, वेट कम आ रहा मेल्टिंग पॉइंट में भी आपको फर्क गिरेगा। यहाँ पे इस चीज को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, या तो इसको कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। फिर आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब इसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, इसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो डायग्राम जब मैंने ये EGCL का बनाया या तो फिर मैं यहाँ पे ZNS का डायग्राम बना सकता हूँ, जिंक सल्फाइड का मैं डायग्राम बना सकता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो मैंने यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ग्रीन मार्कर वाला वो पॉजिटिव है और रेड मार्कर वाला है वो नेगेटिव है, तो मैंने अरेंज पूरा कर लिया। अब अगर आप अगर देखोगे तो देखो ना बीच बीच में मैंने एक्स्ट्रा आयन यहाँ पे डाला हुआ है, बीच बीच के अंदर मैंने देखो यहाँ पे ग्रीन के अंदर अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो ग्रीन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा ग्रीन वहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया है, यहाँ ऐड कर दिया है, यहाँ ऐड कर दिया है, मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अब कैसे हो रहा है कि पार्टिकल परफेक्टली अरेंज्ड है, तो अरेंज ऐसे थे तो बीच में ये जो जगह होती है ना ये जगह इसको वॉइड कहते हैं, मैंने आपको बताया था बीच में ये जो जगह होती है उसको वॉइड कहते हैं। अरेंजमेंट अगर अपना ए अरेंजमेंट है तो वहाँ पे इस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो जो वॉइड जो जगह होती है जो गैप होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा आयन ऐड होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा आयन ऐड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन ऐड किया तो मतलब मैंने यहाँ पे सब जगह पे कैटायन डाल दिया, आप एनायन भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने धीरे धीरे उस गैप के अंदर कैटायन डाल दिया। तो जैसे मैंने कैटायन डाल दिया तो वो क्या करेगा, जो अट्रैक्शन था नेगेटिव पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन था वो एक्स्ट्रा आयन डालने के बाद वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, जैसे ही रिपेल करेगा तो ये जो लेयर होगी वो लेयर शिफ्ट होगी, क्रिस्टलाइजेशन का जो मतलब जो टर्म जो कंडीशन था परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज थे वो ऑर्डर उसका शिफ्ट होगा, इरेगुलरिटी जनरेट होगी, जैसी इरेगुलरिटी जनरेट होगी उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल या तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें हमेशा याद रखना कि जो गैप होता है ना जो पार्टिकल जो दो बोलते हैं ना जो गैप होता है जो वॉइड्स होता है उसमें आइदर कटायंस या तो फिर अनायंस ऐड हो सकते हैं। वो भी कटायन की बात करूँ ना तो कटायन में हमेशा छोटे 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 जो मेरे कटायंस हैं, सिल्वर मैंने छोटा ले लिया, मेरा जिंक वाला जो कंपाउंड है वो भी एक मेरा छोटा कटायन है, वो छोटे कटायंस उसके धीरे धीरे उसके अंदर ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कभी कभी अट्रैक्शन के बीच में रिपल्शन होने लगता है, तो जब वो रिपेल करेगा तो अरेंजमेंट को शिफ्ट करेगा, अरेंजमेंट को तोड़ेगा, अरेंजमेंट को तोड़ेगा तो उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या तो उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा जो डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जो तीसरा जो थर्ड डिफेक्ट है उसको कहते हैं इंप्यूरिटी डिफेक्ट। नाम से पता चला इंप्यूरिटी, नाम से पता चला मेरा इंप्यूरिटी। अब मेरा ये स्ट्रक्चर कॉपर का था, मतलब ये मेरा जो है कंपाउंड वो कॉपर का मतलब एक क्रिस्टल है, कॉपर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब कॉपर में आप देखो तो मैंने ग्रीन रेड मार रही है, कॉपर के अंदर अगर देखो तो मैंने ब्लू मार्कर से जिंक भी डाल दिया है, मतलब कॉपर के अंदर जिंक भी प्लेस्ड हो गया, कॉपर के साथ जिंक भी आ चुका है। तो जिंक आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कॉपर की जगह को हटा कि जिंक वहां पे प्लेस्ड हो रहा है, मतलब कैसा हो रहा है वहां पे इंप्यूरिटी क्या आ रहा है, एज ए इंप्यूरिटी क्या हो रहा है वहां पे जिंक इंप्यूरिटी आ रहा है, बट क्या करे वो कॉपर को हटा के आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इस चीज में अगर जिंक यहाँ पे कॉपर की जगह पे आके सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी, उसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कॉपर के अंदर आपने जिंक डाल दिया है, कॉपर के साथ जिंक आ रहा है तो कॉपर की प्रॉपर्टी को पूरा वो चेंज करेगा। फिर आप देखो कॉपर अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो बीच में वॉइड्स आएगा, अब वॉइड्स के अंदर क्या होता है कार्बन मैंने ऐड कर दिया, वॉइड्स के अंदर मैंने कार्बन ऐड कर दिया, जो मेरा जगह था उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, कॉपर का था कॉपर के अंदर मैंने कॉपर को हटा के यहाँ पे जिंक डाला एज ए सब्स्टिट्यूशन था, बट मैंने वो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया था कॉपर को हटा के किया था, बट इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड का जो होता है जो जगह जो बीच में छूटता है जो बीच में जो गैप होता है ये छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं उसमें कोई दूसरा मेटल आया नॉन मेटल आके प्लेस्ड हो जाता है, तो जैसे ही वो प्लेस्ड होगा तो भी अरेंजमेंट को तोड़ेगा, जैसे वो प्लेस्ड होगा तो भी अरेंजमेंट को वहां पे तोड़ेगा, इसलिए इस चीज को कहते हैं हम इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इंप्यूरिटी डिफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अलॉय फॉर्मेशन के लिए, इंप्यूरिटी डिफेक्ट का बहुत अच्छा काम होता है अलॉय फॉर्मेशन के लिए। कोई मेटल बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई मेटल बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे कोई अलॉय फॉर्म करना है तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं कोई दूसरा मेटल लेके आया तो नॉन मेटल जाके मैं उसके साथ मिक्स कर दूंगा, तो जैसे मिक्स करूंगा तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी को तोड़ के उसको सॉफ्ट बना देगा, तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट का भी काम आता है अलॉय फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट अपना डिफेक्ट का था। डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए स्लो रेट में आप क्रिस्टलाइजेशन करो तो डिफेक्ट जनरेट होगा नहीं, या डिफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, फास्ट करोगे तो ही डिफेक्ट वहां पे क्रिएट होगा, ठीक है। डिफेक्ट के दो डिफेक्ट कैसे कैसे क्रिएट हुआ, अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, वॉइड के हिसाब से भी मैंने वॉइड को ही हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दो चीज था, पॉइंट था, लाइन था, पॉइंट के अंदर इतने सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसकी थ्योरी आप बुक से पढ़ लो, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तो वो डाउट मैं आपका वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा।
अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं कुछ नया वीडियो, कुछ अलग वीडियो, दूसरा वीडियो बनाते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल वाले वीडियोस, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मूला कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय।